हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच पी पैट एग्जाम का क्रैश कोर्स और ये इस क्रैश कोर्स का सातवां लेक्चर होगा तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लोडस्टोन इज लोड ऐसे लिखना चाहिए लोअर स्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एफ थ्री ओ फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन इलेक्ट्रिक जनरेटर नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस फाइव फोम इज स्ट्रेच्ड डबल टू इट्स लेंथ फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल बाई ए ये जो रो है ये होती है रेजिस्टिविटी ठीक है अब लेंथ को बढ़ा दो एरिया को बढ़ा दो एरिया को कम कर दो लेंथ को कम कर दो बढ़ा दो यानी कि लेंथ और एरिया में अगर कोई चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट रहती है रेजिस्टिविटी इज कॉन्स्टेंट ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो उसने क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी पूछा है तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा नो no चेंज ठीक है बीस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लेकिन अगर ये कहता कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा तो तो देखिए नया रेजिस्टेंस होता है आर डैश उसको हम लिखते रो लेंथ हो गई डबल और वायर को हमने खींच दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका हाफ हो जाएगा तो यहां से आपको पता चलता है ये हो जाएगा फोर रो एल बाई यानी कि फोर आर तो रेजिस्टेंस हो जाएगा चार गुना ठीक है लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायनमो डेवलप्स जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर एट 6 वोल्ट पावर प्रोड्यूस इज वट पावर क्या होता है V इन टू तो 0.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई विद्स तो कितना बन गया ये वाट ठीक है ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ करवेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर ठीक है स्फेरिकल मिरर की बात करता है रेडियस ऑफ करवेचर दिया है बीस सेंटीमीटर तो हमें बताना है फोकल फोकल लेंथ लेंथ बताना है देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है टू इंटू फोकल लेंथ ठीक है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू यानी के ट्वेंटी बाई टू टेन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ जीरो मीटर फ्रॉम ए प्लेन मीर तो डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम इमेज इज वट देखिए ये अगर कोई मीर है ठीक है और एक कोई पर्सन है वो यहाँ पर है ठीक है तो उसकी मीर इमेज यहां पर बनेगी ठीक है और कितनी दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर वो पर्सन मीर से खड़ा है जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर ही उसकी इमेज बनेगी ये इमेज होगी तो ये कहता है पर्सन की उसकी इमेज से दूरी कितनी है, right है, है? देखिए एफ बराबर सी बाई लेमडा या फिर सी बराबर एफ लैमडा या फिर लैमडा बराबर सी बाई एफ तो इनमें से कोई भी रिलेशन मिसप्रिंट हो रखा है ठीक है अदरवाइज हम इसमें ऑप्शन मार्क करते ठीक है तो या तो ये रिलेशन है या ये रिलेशन है या फिर ये रिलेशन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड देखिए टाइम पीरियड क्या होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ये हो गया फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड तो 1 बाय 0.05 ये हो जाएगा कितना 20 हर्ट्ज कितना हो जाएगा ये 20 हर्ट्ज नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो इन द स्काई अपीयर्स बिकॉज ऑफ जो आसमान में हमें इंद्रधनुष दिखता है उसका कारण क्या है देखिए वैसे तो कारण रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन है लेकिन क्योंकि आपको एक ही बबल डार्क करना है एक ही सर्कल डार्क करना है पेपर में तो आप मार्क करिएगा डी डिस्पर्शन ऑफ लाइट ठीक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है वैसे जो स्काई में हमें रेनबो दिखता है वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन तीनों की वजह से दिखता है समझ गए dispersion क्या होता है जो व्हाइट लाइट है वो सात रंगों में विभाजित हो जाती है उस प्रोसेस को उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं किस वजह से टिमटिमाते हैं ये हमें बताना है तो रीजन होता है उसका रिफ्रैक्शन क्या रीजन होता है रिफ्रैक्शन ठीक है जो लाइट वेव है वो जब एटमोस्फियर में पास होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से पास होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास होती है और हर लेयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर चेंज होता जाता है ठीक है तो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ एयर इसका रीजन रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ ए लेंस इज एक्सप्रेस इन डायोप्टर लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन डिफरेंट कलर उसको क्या बोलते हैं अभी बताया था डिस्पर्सन ठीक है नेक्स्ट है द द ऑफ लाइट वेव नॉट सीन थ्रू आई इज आंख द्वारा नई दिखाई देने वाली प्रकाश तरंगों की लंबाई क्या होती है देखिए 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की रेज को हम देख सकते हैं लाइट को देख सकते हैं ठीक है तो तीन ठीक है इसको राउंड ऑफ करके चार हजार ऑंसट्रम और इसको सात हजार अंस्ट्रम ठीक है ये कर दिया जाता है तो चार हजार की देख सकते हैं हम छह हजार की भी देख सकते हैं चार हजार से ज्यादा भी देख सकते हैं ठीक है तो आंसर क्या होगा चार हजार से कम आंकस्ट्रम की लाइट को हम नहीं देख सकते ठीक है जिसकी वेवलेंथ चार हजार आंकस्ट्रम से कम हो ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज दिस वन

तो ये कट गया तीन बटा दो क्या हो गया 1.5 पॉइंट ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा अगर यहाँ पर दस की पावर आठ नहीं है तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होता क्वेश्चन नंबर 85 ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स आदमी की आंख वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है अपने कहाँ पर बनाती है रेटिना पर डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ह्यूमन आई इमेज फॉर्म करती है ऑब्जेक्ट की रेटिना पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हिच डिजीज ऑफ आई वी यूज कॉनवेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस किस आंख के रोग के लिए यूज किया जाता है हाइपरमिट्रोपिया, ठीक है दूर दृष्टि रोग के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंस फार्मूला इज लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f 1/v 1/u 1/v क्या है इमेज की जो डिस्टेंस है लेंस से वो v है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से वो यू है, तो u है ठीक है तो वन बाई वी माइनस वन बाई यूल टू वन बाई एफ ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास इट बेंड्स देखिए जो वाटर है वो रेरर मीडियम है और जो ग्लास है वो डेंसर है ठीक है तो जब रेस रेर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ठीक है इट बैंड नॉर्मल ठीक है ये अगर ग्लास है यहां पर वॉटर है ठीक है तो कोई रेज ऐसे आई ठीक है ये यहां पर अभिलंब है और ये इसकी तरफ मुड़ जाएगी ठीक है और फिर वापस नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज थ्री बाई टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा देखिए उसने कहा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑफ एयर इज थ्री बाई टू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा टू बाई थ्री टू बाई थ्री इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन विच मिरर इज यूज बाई डेंटल सर्जन तो डेंटल सर्जन उस मिरर को यूज करेगा जिससे जो इमेज है वो बड़ी होके दिखे ठीक है तो ऐसा मिरर क्या है कॉनकेव मिरर है ठीक है इमेज हमें मैग्नीफाइड होकर के दिखे ठीक है सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अवतल दर्पण क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल मतलब नॉन रिन्यूएबल ठीक है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो कौन सा है इसमें पेट्रोलियम ठीक है पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसिल फ्यूल है ठीक है क्वेश्चन नंबर 92 द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज़ प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस ठीक है बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 द नंबर ऑफ न्यूक्लिओन्स इन फास्फोरस आर देखिए फास्फोरस में एटॉमिक नंबर 15 मास नंबर 31 तो यहां पर ये अगर आपका एटम है इसके अंदर क्या होगा न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे ठीक ठीक है 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 तो इन दोनों को बोला जाता हिंदी में भी देखो फास्टोर्स में प्रोटोन तथा तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो तो फास्ट में न्यूट्रोन और प्रोटोन की संख्या क्या हो उसके होगी उसके एटोमिक मास के बराबर होगी एटोमिक मास कितना है थर्टी वन तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल वेन हीटेड इन द एबसेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसिस कोल को जब हम एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है कोल गैस भी प्रोड्यूस करता है कोक भी प्रोड्यूस करता है तो ऑप्शन आपको एक ही मार्क करना है तो आप कोल गैस मार्क करके आइएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिनबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल बताना है पेट्रोलियम तो बिल्कुल नहीं है कोल भी खत्म हो जाएगा एक दिन नेचुरल गैस भी हमेशा के लिए हम यूज नहीं कर सकते तो सन सन क्या है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज सन की एनर्जी का मेन सोर्स क्या है हाइड्रोजन ठीक है सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा हाइड्रोजन से फिर क्या बनता है हीलियम ठीक है और जब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कमेंट बॉक्स में बताइए हाइड्रोजन से हीलियम के बनने की जो रिएक्शन है जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन है उसका नाम क्या है

पेट्रोलियम गैस का मुख्य पात्र है ब्यूटेन ठीक है वैसे प्रोपेन भी होता है लेकिन आप ब्यूटेन मार्क करके आइएगा ठीक है ब्यूटेन ज्यादा सही है 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 नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड 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 इन डैम वाटर वाटर की बात कर रहा स्थिर जल ठीक है, है तो इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी 20 क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन बचे हुए थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं एक और वीडियो आएगी उस वीडियो में हम केमिस्ट्री के और इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे तो पढ़ते रहिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल आएगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत